हेलो बच्चों, आज हम पाचन तंत्र के इस वीडियो के अंदर पाचन तंत्र के आमाशय तथा छोटी आंत के बारे में चर्चा करेंगे। आमाशय ईसोफेगस से जुड़ा हुआ एक अंग है जो बैग के समान है और जे आकार का है। ये डायफ्राम के ठीक तो नीचे है और उदर गुहा में बाई ओर स्थित होता है। इसको भी हम अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांट सकते हैं। ऊपर वाला भाग जो कि किससे जुड़ा होता है, ईसोफेगस से, उसे कहते हैं हम कार्डियक भाग। बीच वाला भाग उसे हम कहते हैं फंडिक भाग। और जो नीचे वाला छोटा भाग है जो कि आगे जाकर के ग्रहणी से जुड़ता है, इसे हम कहते हैं पाइलोरिक भाग। तो इस प्रकार हम तीन भागों में इसे बांट देते हैं। इसके अलावा यहाँ आमाशय में दो स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है। देखिए स्फिंक्टर मसल्स, इसका नाम इस प्रकार से हिंदी में कहें तो संकोचक अथवा अवरोधनी पेशी भी कहा जाता है, अवरोधनी पेशी। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह संकुचित भी होती है और साथ में क्या है, अवरोध भी पैदा करती है। तो ये दो जगह पाई जाती है। इस चित्र के अंदर अपन बात करें तो एक अवरोधनी पेशी तो इस जगह पाई जाती है, एक अवरोधनी पेशी इस जगह पाई जाती है। इस अवरोधनी पेशी का यह काम है कि यह जो ईसोफेगस से भोजन आता है उसको आमाशय में आने देती है, लेकिन आमाशय से भोजन को ऊपर नहीं जाने देती है। लेकिन किन्हीं कारणों से जब ऊपर भोजन जाने लग जाता है तो हमारे छाती में जलन होती है, एसिडिटी की बीमारी हो जाती है। तो एक स्फिंक्टर मसल तो ये होती है। दूसरी स्फिंक्टर मसल ये आमाशय और ये ग्रहणी के मध्य पाई जाती है। और इस स्फिंक्टर मसल्स का ये काम है कि भोजन को कंट्रोल्ड तरीके से छोटी आंत के अंदर भेजती है। तो इस प्रकार से यह हमारे भोजन के आवागमन को कंट्रोल करती है। अब इसके बाद में, अब ये आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, यह हिस्सा कहलाता है छोटी आंत। इस छोटी आंत लगभग 7 से 8 मीटर लंबी होती है और यहाँ भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। इसको भी हम अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो ये छोटा सा भाग कहलाता है, यह कहलाता है ग्रहणी कहलाता है। इस ग्रहणी के अंदर एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन होता है। यह भाग देखो, आप देखिए इसे, यह भाग इधर लीवर से, इधर लीवर से, इधर पित्ताशय से और इधर अग्नाशय से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार इसके अंदर स्थापित एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। इसके बाद का जो ये वाला हिस्सा है, इसे कहा जाता है अग्रक्षुधांत भी कहा जाता है अथवा जेजुनम भी कहा जाता है। यह आंत का, छोटी आंत का मध्य भाग होता है और यहाँ पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ जिस प्रकार की ये कोशिकाएं होती हैं जो भोजन का अवशोषण करती है, उनका भी एक विशेष नाम है, उन्हें कहा जाता है एंटोसाइट सेल्स कहा जाता है। ये क्षुद्रांत के जो बाद की का हिस्सा है, इसको कहा जाता है इलियम। और इस इलियम के अंदर पचित भोजन में से पित्त लवण व विटामिनों का अवशोषण कर लिया जाता है। धन्यवाद बच्चों, अगले टॉपिक में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।